Okay. So I think friends ये आप आ चुके होंगे इस लिंक पर, तो इस लिंक पर यार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस क्लास को, तो दिस क्लास विल बी कंटिन्यूड ऑन दिस लिंक. So due to some technical problem, see here now. तो A B C D के parallel है. A B is parallel to C D. ठीक है भाई. C D is further parallel to E F. कोई बात. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ. अगर A B C D के parallel है, C D E F के parallel, तो A B भी E F के parallel होगा सर. Yes or no? अब ध्यान से देखो. अगर मैं पहले ए बी और सी डी से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये 90 ऑलरेडी दे रखा है उसने, दिस एंगल 90 वी आर ऑलरेडी गिवन विद, उसने बोला हुआ है ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ई ए है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये एंगल 90 उसने दिया हुआ है, और बी ई एफ 55 है, बी ई एफ दिस इज 55 डिग्री. यस और नो? Okay, so I think you must be clear with this. तो देख लेते हैं यार इसमें, तो ये तो सर ये तो अब मैं बोलूँगा ये तो 90 डिग्री पे है लाइन, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है, so that is BE. I will say ये वाली जो लाइन आ रही है, ये ट्रांसवर्स का काम करेगी, ट्रांसवर्स का ऑफ कोर्स वो भी करेगी, ठीक है, बट मैं x, y और z में इंटरेस्टेड, x, y और z में इंटरेस्टेड हूँ. देखो ध्यान से, अगर x, y और z में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो यहां से जो लाइन आ रही है ऐसा आ रही है सी डी ई एफ, ये है लाइन. तो इसे मैंने फर्दर एक्सटेंड किया, अगर ये एक्स है और ये उसने वाई दे रखा है और ये उसने 55 दे रखा है और ये फर्दर उसने दिया हुआ है दैट इज जेड. ये है कुछ दोनों पैरेलल हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं. यस और नो? तो उसने बोला है, अब तुम ध्यान से देखो, अगर ए बी और सी डी कोई दो लाइन पैरेलल हैं और ऐसे ट्रांसवर्सल आ रही है और ये एंगल एक्स है, तो ये वाला तो एक्स ही होगा यार, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा या नहीं होगा बताइए. यस और नो? तो अगर ये x है तो ये भी x होगा यार, तो इसका मतलब y की वैल्यू x ही रहने वाली है, y की वैल्यू क्या रहने वाली है, x की रहने वाली है, ठीक है. अब ये अगर 55 है, अगर दिस इज 55 और ये ट्रांसवर्सल है a b और e f के बीच में, तो अगर ये 55 है तो ये 55 होगा. यस फ्रेंड्स, अगर ये 55 है तो ये 55 होगा. This 55 plus x will form a linear pair. 180. 55 और x मिलके कितना एंगल बनाएंगे? 180. linear pair. तो x कितना हो जाएगा? 125. और तुम्हें पता है एक्स और वाई क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स और वाई 125 हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू अभी जेड निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाला जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है जेड? हां जी, जेड वी कैन इजीली फाइंड आउट नाउ। हां जी, जेड की वैल्यू बताओ मुझे जरूर। हाँ जी, अब देखो क्या है, अब ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है यार। करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही तरीका करने का। ये अगर 90 है स्टूडेंट्स, दिस इज 90, उसी है ना। अगर ये 90 है तो आपको पता है ये लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो इसका और इसका जो कि z प्लस 55 है, ये एंगल ये कितना है पूरा एंगल z plus 55, ये है 90। दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है। तो इसका और इसका सम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आई विल से 90 plus z plus 55, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, इनका जो सम होना चाहिए 1। तो 90 और 55 कितना होगा 145, 180 minus 145 कितना हो जाएगा 35। चेक करो z की वैल्यू 35 है। यस, मेरे पास z की वैल्यू 35 है। काफी सारे तरीके हो सकते थे z भी फाइंड आउट करने के। ट्रायंगल ले सकते थे आप यार, ये वाला, ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये z निकालना तब भी हो जाता। या फिर मैंने दो पैरेलल लाइन ली हुई है, ट्रांसवर्सल है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा that is one consecutive interior angle sum. Yes or no? Yes. okay, so let's do another question. This is the question now. ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं यार पहले एक बार। So this is PQ. So this is the question now. PQ is parallel to RS, MXQ 135, MYR 40. So X, M, Y निकालना है। So this angle we need to find out. Same question करवा चुका हूँ। ऐसे question मैं बोलूँगा कई बार appear होते हैं यार। कई बार आते हैं इस type के questions। ये important हो जाते हैं इस type के। Yes. Okay, so let's try to solve this question. Again, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलरेडी लाइंस पैरेलल दी हुई है, इन दोनों के लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला एंगल है इसे फर्दर दो एंगल्स में डिवाइड कर लो। तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो अगर ये 135 है तो ये 135 होगा, अल्टरनेट एंगल परपेंडिकुलर टाइप का। यस और नो? अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, अल्टरनेट एंगल। Yes or no? तो ये अगर 135 है तो 135 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180। लीनियर पे एंगल 1 कितना हो जाएगा? 45। हाँ जी, एंगल 2 ऑलरेडी 40 है तो सम कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 वी नीड टू फाइंड आउट, दैट इज x and y, सो दैट इज okay. So let's discuss next question. AB is parallel to DB. Prove that चेक करो यार ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा चुका हूं यार, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आप प्रूव करते हो। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं AB और DB, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर वो बना रहा तो आपको उसकी सिर्फ एक और लाइन लगाओ, उसे पैरेलल बनाओ इन दोनों के, ठीक है। तो ABC सो लेट्स से एंगल 1, BCD सो लेट्स से दिस इज एंगल 180 plus CDE। ओके, तो मुझे प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 प्लस CDE प्लस एंगल, ये मुझे प्रूव करना है। So let's do the numbering as I will say. This is 1, this is 2, this is 4. So we need to do, so we can further bifurcate this angle, so that is BCD. So BCD can be written as 2 plus 4. Angle 1 plus angle 2 plus angle 4 is equal to 180 plus angle 3. Okay. Now you know that angle 1, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, let's say this is line L and L is parallel to AB and this is the transversal, so that is BC. So angle 1 plus angle 2 will be consecutive interior angles whose sum will be 180. Yes or no? Consecutive interior angles are supplementary. So 1 or 2 plus 1, 180 degree होगा. Yes or no? Angle 3 angle 4 के बराबर होगा. Alternate angles. तो 1 और 2 को ऐड कर लो यार. 1 2 plus 4. इस एंगल 3 को लो, एंगल 4 की जगह एंगल 4 को लो, एंगल 3 ले लो. तो एंगल 1 plus एंगल 2 plus एंगल 4 is equal to 180 plus एंगल 2. I think we have already question. इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ये काफी डिटेल में मैंने तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं. लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस नाउ. दिस वाज अ क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन ऑफ कोर्स अल्टरनेट एंगल है, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, देन उसके बाद अगर कुछ प्रूव करना है तो प्रूव भी किया जाता है. ओके, AB parallel to CD, EF parallel to DQ. फिगर दे रहा हूँ ये. This is AB and this is, I will say, CD. You are having like this. This is F. Actually, is ऐसे भी आ रही है. And this is Q. This name is P. Angle PDQ, angle AED और angle DE, ये find out कर लेते हैं. क्लास यार ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 1 बजे. जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं. क्वांटिटी रीजनिंग होगा, ठीक है. तो ये बताओ मुझे एंगल PDQ और एंगल AED एंड PDQ निकालना है, ये वाला एंगल AED निकालना है, ये वाला एंगल, और DEF निकालना है, ये वाला। Okay, so let's do this question now. Students, देखो यार जो पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा 60 को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ABCD के पैरेलल है और EFDQ के पैरेलल है। दिस EFDQ ABCD, DQ को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, EF को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो चेक कर लेते हैं, AB और CD को दो लाइंस कट कर रही हैं, EF I will say that is PE और QB, तीन लाइन कट कर रही है AB और CD, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ऐसे कट कर रही है। अब कौन-कौन से एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स सी कौन-कौन से एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यार अगर एंगल 34 दे रखा है इन्होंने, अगर ये एंगल 34 है, ठीक है, अगर ये एंगल 34 है, ये अगर इसे कट कर रही है तो ये भी 34 होगा, यस और नो, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। अगर ये 34 है, AB और CD पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल काम करेगी DE, तो ये 34 है तो ये भी 34 होगा। तो ये तो AED हो गया, AED 34 डिग्री हो गया, चेक करो। ये 34 हो गया तो ये 34 हो गया। इसके अलावा मुझे एक और एंगल भी निकालना है, एंगल DEF, ये वाला एंगल भी निकालना है यार। दिस एंगल आई नीड टू फाइंड आउट, दिस एंगल आई आल्सो नीड टू फाइंड आउट। तो यार ये आपको पता है किसी लाइन पे ये वाला एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर मानता है 180 होगा सम। तो चेक कर लो, 34 प्लस दिस एंगल दैट इज आई विल से दैट इज DEF प्लस 78 दैट इज 180, 34 प्लस DEF प्लस 78 इज इक्वल टू 180। तो DEF कितना हो जाएगा, 78 और 34 कितना हो गया, 68। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो DEF 68 हो जाएगा यार, यस और नो। PDQ बचा हुआ है, दिस एंगल आई नीड टू फाइंड आउट, ये भी एंगल निकालना है। यस, ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल। यस, तो ये वाला एंगल 68 है, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा मुझे यार। चेक कर लेते हैं एक बार। आपको पता है जो EF है वो DQ के पैरेलल है। दिस EF is parallel to DQ। EF is parallel to I will say that is DQ। DQ कहीं यहाँ है, पॉइंट से एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अब ये एक रे है, आई विल से दैट इज PE। ये एक रे, ये है P पॉइंट। ऑब्जर्वेशन है या सिर्फ ध्यान से देखोगे तो ये एंगल इस लाइन के साथ EF के साथ जो एंगल ये बन रहा है ये 68 था, तो ये एंगल 68 है यार। दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, आगे बढ़ा देता हूं। अगर ये 68 है तो ये भी तो 68 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यस और नो। तो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी ना यार। ये 68 है तो ये भी 68 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। हां जी, सॉरी, तो ये पॉइंट तो D नहीं था, ये पॉइंट था D। इसे मैंने आपके एक्सटेंड कर दिया D' तक, यस और नो। ये पॉइंट E था, ये F था यहां पे। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल PDQ जो होगा वो मेरा किस एंगल के इक्वल होगा? तो ये भी 68 होगा, PDQ 68 होगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? PEF। एंगल PEF मेरा 68 था, तो ये और ये क्या होंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। तो लाइंस हॉरिजॉन्टल है, लाइंस इनक्लाइंड है, वर्टिकल है, ठीक है, लाइन खड़ी हुई है, लेटी हुई है। तो कैसे देखना है उन लाइंस पर एंगल कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उतना पोर्शन उठाओ यार जो दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और उन दो लाइंस को जो कट कर रही है, जो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रही है, उसके हिसाब से एंगल सेट करो, यस और नो। तो ये एंगल तो सिर्फ QD और EF को अगर मैं पैरेलल ड्रा करता हूं पर एक रे उस पे बनाता हूं ये ट्रांसवर्सल वाली, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि एंगल बराबर होंगे, यस और नो। तो आंसर क्या आया? PDQ भी 68, तो दो 68 आए, एक 34 आए। यस और नो स्टूडेंट्स, okay, so this must be clear to you. So let's see another. AB is parallel to CD again. Angle F T है, एंगल ECD बताओ, फिगर दे रहा हूं। ये लगती है यार, तो ये है फिगर, करो इसको क्वेश्चन को। AB is parallel to CD, ये है फिगर, करो इसको। यस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो एंगल F30 है और 890 भी दे रखा है एंगल A, और देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ECD, सो दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, हाँ जी, तो फ्रेंड्स दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। अब देखो एज इट इज आई विल से जो एंगल दिए हुए हैं वो इस लाइन पर दे रखे हैं AF पर, बट इन लाइंस पर कोई एंगल नहीं है मेरे पास यार, जो कि AB और जो CD जो कि पैरेलल दे रखी है इस पे कोई एंगल नहीं है एज इट इज। बताओ अगर है तो यस और नो, नहीं है। अगर होता तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता, हो सकता इजी है क्वेश्चन। 90 plus 30 कितना हो जाएगा 120, अगर इस लाइन का सम करूं राइट एंगल का तो ये कितना हो जाएगा 60। 90 30 और 60 सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो ये 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ये 60 है तो ये वाला 60 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर ये 60 है तो इसे कितना होना पड़ेगा 120 होना पड़ेगा, तो यही तो चीज है। इसका एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 120। यस तो इसका आंसर क्या था, ओके। So friends, these were the questions which I have discussed with you. So next time also we will see some more questions from geometry, from this chapter and triangles chapter we will start. Okay, so let's meet. I will see you next Monday at same time, that is at 10:30 AM. जो आज की क्लास थी सिर्फ वो ही 1 o'clock स्टार्ट हुई है, ठीक है। अदरवाइज जितनी भी क्लासेस इस वीक में रहेंगी, जैसे आपको पता है कि लास्ट 3 वीक से क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, that is at 10:30. So time is fixed. तो लाइव रेगुलर क्लासेस रहने वाली हैं आपकी, क्वांट की, रीजनिंग की, देन जीके विल बी कवर्ड एंड इंग्लिश विल बी कवर्ड। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो एट 10:30 AM फॉर रीजनिंग एंड आई विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ क्लॉक्स। ओके, सो लेट्स डू द क्लॉक्स एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कैलेंडर इन लास्ट 3 classes ऑफ रीजनिंग, सो ऑल क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू कवर इन द आई विल से क्लासेस ऑफ कैलेंडर। ओके, so thank you very much. तो ये जो आज का जो लेक्चर था, so that is geometry lecture 4, yeah, I will say that has been conducted in I will say on 2 links on YouTube. So एक तो ये वाला लिंक है और एक इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस उस लिंक में डिस्कस कर चुका हूं। Okay, so let's meet tomorrow at 10:30 AM for reasoning. Thank you friends, keep watching your video, keep preparing, and thanks once again.